हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये ब्रेसलेट पर्स बनाना बता रही हूं। देखिए, इसको आप एक कलर में भी बना सकती हैं और आप इसको दो कलर में भी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले हम 10 फंदे सिलाई पर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए, पहला फंदा उतारा, बाकी के फंदे सीधे बुन लिए। ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। अब उल्टी सिलाई, एक फंदा उतार लेंगे, बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए, अभी जैसे दो सिलाई बुनी है, ऐसे ही इसको हमें आगे बनाते जाना है। शुरू का फंदा उतार लेंगे, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमें इसको प्लेन बुनना है, यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। अब ये देखिए, मैंने इतना बुन लिया, ये करीब 20 सिलाई है, 20 रोज हैं ये। अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब देखिए, पहली सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे, आप देखिए, ये जो है ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब आगे जो हम बुनेंगे वो ये हमारा उल्टा साइड होगा, यानी कि बैक साइड होगा। जिधर हमारा फ्रंट है उधर बैक होगा और जिधर बैक है उधर फ्रंट होगा, सीधा साइड। तो देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, अब ये दो फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। धागा पीछे साइड ले जाएंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4। धागा अपनी साइड, ये दो फंदे एक साथ लेंगे, दो का एक बुन लेंगे, ये फंदा उल्टा। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि अब यहां पर जो हम आगे बुनेंगे वो इधर का ये साइड हमारा सीधा साइड होगा और इधर का ये उल्टा साइड होगा। अब देखिए, अगली सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे साइड, ये फंदा
सीधा और ये फंदा भी सीधा बनेंगे, ऐसा आया। अब ये हमारी सीधी सिलाई आई, क्योंकि इधर हमारा सीधा साइड है। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए धागा पीछे साइड ले जाएंगे और डिजाइन डालने हम शुरू करेंगे। यहां से ये चार फंदे का डिजाइन डालेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए धागा पीछे साइड ही है, वूल हमारा पीछे साइड है, दो फंदे आगे से लिए एक साथ, दो का एक बुन लिया। वूल को अपनी साइड लाए, इस फंदे को सीधा किया, दो फंदे एक साथ लिए पीछे से, दो का एक बुना। धागा अपनी साइड, दोनों फंदे उल्टे। अब देखिए पहला फंदा उतारा, ये फंदा सीधा बुना, ये उल्टा फंदा है। देखिए ये हमारा उल्टा फंदा, ये उल्टा फंदा और ये बीच का जाली का फंदा। अब इस फंदे में से हम दो फंदे बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक फंदा पहले घट गया है। तो ये फंदा उल्टा, इस फंदे को एक बार आगे से बुना और एक बार इसी फंदे को पीछे से बुन लेंगे। फिर ये उल्टा फंदा बुना, धागा पीछे साइड, ये दोनों फंदे सीधे। अगली सिलाई, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब देखिए धागा पीछे साइड ले जाएंगे, ये हमारा सीधा साइड है। हर सीधी सिलाई पर हमें पैटर्न डालना है और सभी उल्टी सिलाइयां एक जैसी बनाई जाएंगी, सभी सीधी सिलाइयां यहां से एक जैसी बनाई जाएंगी। देखिए फिर से ये चार फंदे लेंगे, चार में से दो फंदे आगे से एक साथ लेकर दो का एक बुना। धागा अपनी साइड लाए, इस फंदे को खोलकर सीधा किया, ये दो फंदे एक साथ लिए और ये दो का एक बुन लिया। धागा अपनी साइड, ये दोनों फंदे उल्टे। दो फंदे यहां पर उल्टे चल रहे हैं, दो फंदे इधर उल्टे चल रहे हैं और ये चार फंदे पर डिजाइन चल रहा है। अभी देखिए तीन रह गए, अभी ये बैक साइड से इधर से हमारे ये फिर से चार हो जाएंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरा सीधा बुना, ये बैक सिलाई है, मतलब रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई। इस फंदे को उल्टा बुना, इस फंदे को दो बार बुना, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। फिर ये फंदा उल्टा बुना और ये दोनों फंदे सीधे बुने। अब फिर ये हमारी सीधी सिलाई आई, पहला फंदा उतारा, एक फंदा ये उल्टा बुना, धागा पीछे साइड, इन चार फंदों पर पैटर्न डालेंगे, ये दो फंदे एक साथ लेकर दो का एक बुना, धागा अपनी साइड, फंदा सीधा किया और ये दो फंदे एक साथ लिए पीछे से और दो का एक बुना, धागा अपनी साइड, ये दो फंदे उल्टे बुने। जैसे अभी ये सीधी सिलाई बुनी है, ऐसे ही सभी सीधी सिलाइयां बुनी जाएंगी। और उल्टी सिलाई देख लीजिए आप एक बार फिर से, पहला फंदा उतारा, ये फंदा सीधा बुना, धागा अपनी साइड लाए, एक फंदा उल्टा, इस फंदे को दो बार बुनेंगे ऐसे, फिर ये फंदा उल्टा बुनेंगे और ये दोनों फंदे सीधे। तो सभी उल्टी सिलाइयां इस तरह से बुनी जाएंगी। अब देखिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब यहां पर कैसे बनाना है ये देखिए, ये ग्लू फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फंदे हमें सिलाई पर लेने हैं। देखिए कैसे यहां से सिलाई डाली और ये हमारा पहला फंदा, ये देखिए यहां से सिलाई डाली और ये हमारा पहला फंदा आया। अब ये फंदा यहां से सिलाई डाली, ये दूसरा फंदा आया। अब देखिए यहां से ये तीसरा फंदा, ये देखिए पूरा लाइन से हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर ये एक फंदा है, ये एक फंदा है, ये एक फंदा है, ये एक फंदा है,
यहाँ पर ऐसे हमें ये सारे फंदे सिलाई पर लेने हैं। तीन हो गए, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और एक यहां पर, ये दस फंदे हो गए। अब देखिए इनको कैसे बनाया जाएगा। ये देखिए ये उल्टा साइड है, पहला फंदा उतारा, ये सभी फंदे उल्टे बुने, अब देखिए ध्यान रखिएगा ये फंदे हमारे निकलने नहीं चाहिए, इसको हम इस तरह से ले आएंगे। अब ये फंदा उतार लिया और ये सभी फंदे सीधे बुन लिए, सीधी सिलाई आ गई हमारी। अब देखिए ये फंदा उतारा, ये दो फंदे एक साथ लिए और दो का एक बुन लिया, ये फंदे उल्टे। अब ये फंदा उतारा, ये दो फंदे एक साथ लिए और दो का एक बुन लिया, ये फंदा उतारा, ये दो फंदे एक साथ लेकर दो का एक बुना। अब देखिए सीधी सिलाई, पहला फंदा उतारा, ये दो फंदे एक साथ लिए और दो का एक बुन लिया, पहला फंदा उतारा, ये दो फंदे एक साथ लिए, दो का एक बुना। पहला फंदा उतारा, ये तीन फंदे, सॉरी ये दो फंदे एक साथ लिए, दो का एक बुना। अब देखिए ये हमारे चार फंदे बचे, चारों फंदे एक साथ लेंगे और चार का एक बुन लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बन करके ये हमारा पर्स आएगा। ऊपर का ये जो है ये आपको ऐसे ही बनाते जाना है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे ब्लू वाले को, और ये पिंक वाला अब हम बनाएंगे। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इतना बुन लिया है, आप अपने हाथ के साइज के हिसाब से इसको बुन लीजिए लंबाई।
अब हमें ये सारे फंदे बंद करने हैं। दो फंदे एक साथ लेंगे, और दो का एक बुन लेंगे। अब इस फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदे के साथ मिलाकर ये फिर से दो का एक बुन लिया। फिर इस फंदे को ऐसे लिया और एक फंदे के साथ मिलाकर ये दो का एक बुन लिया। सभी फंदे हम ऐसे ही बंद कर लेंगे। अब देखिए सिलाई कैसे करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे मोड़ लेना है और यहां पर और यहां सिलाई कर लेनी है दोनों साइड। इस बटन को हम यहां लगा लेंगे, इसको यहां पर अटैच कर देंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।